अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्हें हर कोई अच्छे से जानता है। वहीं उनकी बहू ऐश्वर्या भी आए दिनों सुर्खियों में बनी रहती है। ऐश्वर्या की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। एक्ट्रेस उनके टाइम यानी कि अपने टाइम में बॉलीवुड में काफी ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थी। वो बी टाउन की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक है। ऐश्वर्या की सभी फिल्में बॉलीवुड में सुपर डुपर हिट रही है। आज हम आपको उनसे जुड़ा किस्सा बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं ऐश्वर्या राय की लाइफ से जुड़ा हुआ ये एक अहम किस्सा। जी हाँ, शायद आप जिसे ना जानते हो, आइए जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त उर्फ संजू बाबा बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता में से एक है। उनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। फैंस उनकी शानदार एक्टिंग के दीवाने हैं। एक्टर ने भी बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। एक्टर कई बड़ी बड़ी अदाकाराओं के साथ बॉलीवुड में काम कर चुके हैं। उन्होंने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ भी काम किया हुआ है। अब हाल ही में संजय दत्त और ऐश्वर्या राय से जुड़ा एक किस्सा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। बताया जा रहा है कि इन दोनों के रिलेशनशिप की चर्चाएँ हो रही हैं। दरअसल उनके ज़माने में संजय दत्त ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को अपना दिल दे दिया था, लेकिन उनकी बहनों की वजह से उनका प्यार अधूरा रह गया। एक्टर को बहनों की वजह से किसी और से शादी करनी पड़ गई। जानकारी मिली है कि बॉलीवुड के संजू बाबा उर्फ संजय दत्त विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन से एक तरफा इश्क करते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी जाहिर नहीं किया। उनकी बहनों ने उन्हें ऐश्वर्या राय से दूरी बनाकर रहने के लिए कहा। यह इसीलिए कहा गया क्योंकि तब संजय दत्त जेल के चक्कर काट रहे थे। ऐसे में उनका ऐश्वर्या राय के करीब आना एक्ट्रेस को परेशानियों में डाल सकता था। इसके चलते उन्होंने ऐश्वर्या की तबीयत के बारे में सोचा और उनसे दूरी बना रखी। इस खबर को लेकर अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई थी। ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर कई जगह वायरल हो रही है। हम इस न्यूज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते। ऐसे में आज हम आपको उनकी जिंदगी से ज़िंदगी के साथ एक दिलचस्प किस्सा बताने वाले हैं। ये तब की बात है जब एक्टर ऐश्वर्या राय के दीवाने थे संजय दत्त। भले ही अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ खुशी खुशी शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन एक वक्त था जब एक्ट्रेस का नाम उनके साथ जुड़ा था उनकी बायोपिक पर बनी फिल्म संजू में कहा गया था कि उनकी 308 गर्लफ्रेंड थी। एक बार संजय दत्त ने खुद ही खुलासा किया था कि वह ऐश्वर्या राय के दीवाने थे, लेकिन कभी दिल की बात नहीं कह पाए। ये बात तब की है जब ऐश्वर्या की फिल्मों में एंट्री होने वाली थी। तब संजय दत्त एक सुपरस्टार थे। उन दिनों ऐश्वर्या राय विज्ञापन में काम कर रही थी। इसके अलावा वो मॉडलिंग भी कर रही थी। साल 1993 में ऐश्वर्या राय ने संजय दत्त के साथ एक मैगजीन कवर के लिए फोटोशूट कराया। इसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त ने ऐश्वर्या संग पहली मुलाकात का किस्सा साझा किया। संजय दत्त ने एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने ऐश्वर्या राय को पहली बार देखा तो वो उनकी खूबसूरती के कायल हो गए, उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। हालांकि संजय दत्त इससे पहले अपनी मन की बात ऐश्वर्या राय से कह पाते, इससे पहले ही एक्टर की बहनों ने उन्हें चेतावनी दी और कहा कि ऐश्वर्या राय से दूर रहो। संजय दत्त ने यह भी बताया था कि ऐश्वर्या राय उनकी बहनों की अच्छी बॉन्डिंग थी, यहाँ तक कि वो उनको काफ़ी पसंद भी करती थी। अक्सर किसी न किसी फंक्शनों पार्टी में दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। दरअसल संजय की बहनें जानती थी कि एक्टर की इंडस्ट्री में कैसी इमेज है, इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि इसका असर ऐश्वर्या राय पर हो। बता दें कि ऐश्वर्या और संजय ने हम किसी से कम नहीं और शब्द जैसी फिल्मों में साथ में काम किया है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन करीब 3 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने से लेकर बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारों में शामिल होने में हॉलीवुड टीम में अपनी छाप छोड़ने तक उन्होंने अब तक कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टर संजय दत्त ने उन्हें बॉलीवुड से दूर रहने के लिए कहा। आइए आपको क्या है पूरा किस्सा ये समझाते हैं। एक समय बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती पर फिदा थे। दरअसल 1993 में जब ऐश्वर्या और संजय एक मैगजीन में फोटोशूट के लिए मिले, तब उनकी मुलाकात पहली हुई थी और ऐश्वर्या उस समय बी टाउन की सबसे मॉडल और सबसे सफल मॉडल्स में से एक थी और तब उन्होंने फिल्मों में एंट्री नहीं की। हालांकि संजय ने एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर मॉडलिंग में अपना करियर जारी रखने की सलाह दी। बताते चले कि साक्षात्कार में संजय दत्त ने अपनी उस पहली प्रतिक्रिया का खुलासा किया जब पहली बार ऐश्वर्या राय को पेप्सी के विज्ञापन में देखा गया। उसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वो खूबसूरत महिला कौन है। ऐश अपनी तारीफ से शर्मा गई थी। संजू ने यह भी कबूला किया था कि उनकी बहनें प्रिया दत्त और नम्रता दत्त को भी ऐश्वर्या बहुत खूबसूरत लगती हैं और वो दोनों उनसे प्यार करती हैं, वो उनसे मिल भी चुकी हैं।
उन्होंने कहा था कि जब आप इस ग्लैमर इंडस्ट्री में आते हैं तो ये आपको बदलना शुरू कर देता है, ये आपको मैच्योर बनाता है, तो वो मासूमियत खो जाती है और वो खूबसूरत पक्ष जो भी उनके चेहरे पर है लेकिन फिल्मों में आने पर वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उन्हें फिल्म दुनिया को सही से संभालना है और ऐसा करना आसान नहीं है। ये प्रतिस्पर्धी है, ये ऐसा है जैसे कि यार मुझे उससे बेहतर दिखना है, मुझे वहाँ रहना है। आप जानते हैं कि आप दो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और वहाँ 500 लोग होंगे जो आपको 5 सीढ़ियाँ नीचे रखे रहे होंगे, तो व्यक्ति कठोर हो जाते हैं, तो ऐसे में वो सुंदर गुण चले जाते हैं। संजय दत्त की बात सुनकर ऐश्वर्या ने उनके दृष्टिकोण को साझा था और उनसे सहमति व्यक्त की थी कि अभिनय की दुनिया में काफ़ी स्ट्रगल है। हालांकि उन्होंने बताया था कि जब कोई अपने अभिनय करियर में इतना कुछ सहता है तो उन्हें भविष्य में कठोर बना देता है। ऐश ने कहा था कि मुझे लगता है कि ये सच है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन्हें आपको संभालना है और मुझे लगता है कि ये आपको और कठोर बना देती है। इसके साथ ही संजय ने बॉलीवुड में सफलता और विफलता के बारे में भी बात की और कहा था कि ये भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही अधिक प्रोफेशनल है, इस इंडस्ट्री में कोई भावनाएँ नहीं है। आपको तैयार रहना होगा कि यदि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कभी भी कोई भी आपको साथ नहीं देगा, और यदि आप सफल हैं तो आपके आसपास हर कोई होगा। जब आप अकेले होते हैं तो इस तथ्य को स्वीकार करना दुखद है कि वो इंडस्ट्री के लोग जो आपको नहीं चाहते। बताते चले कि उसी इंटरव्यू में ऐश्वर्या नारायण ने बताया था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर मिल रहे थे लेकिन वो उन्हें लेने के लिए एक्साइटेड नहीं थी। उन्हें आमिर खान के साथ फिल्म राजा हिंदुस्तानी की पेशकश की गई लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय मणिरत्नम के निर्देशन में बनी फिल्म इरुवा रिको अपनी पहली फिल्म के रूप में चुना, जो कि 1997 में रिलीज़ हुई। बाद में उन्होंने उसी साल हिंदी फिल्म और प्यार हो गया से अपनी शुरुआत की, जिसमें उनके अपोजिट बॉबी देओल थे। संजय दत्त बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म संजय दत्त की KGF चैप्टर 2 में संजय दत्त के किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग लोगों के दिलों में एक खास जगह पर पहचान बनाई। अपने अभी तक के करियर में उनके हसीनाओं के साथ उनका नाम जुड़ा है। वहीं जब ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था तब संजय दत्त उनकी खूबसूरती के कायल हो गए थे। ऐश्वर्या राय से पहले मुलाकात में संजय उन्हें देखते ही कहा था, इतनी खूबसूरत लड़की। संजय दत्त ने ऐश्वर्या राय को दिया था फिल्म इंडस्ट्री में आने की सलाह। जी हाँ, उसी इंटरव्यू में संजय दत्त ने ऐश्वर्या को अपने मॉडलिंग करियर में बने रहने और फिल्म इंडस्ट्री में आने की सलाह भी दी। ऐश्वर्या की मासूमियत के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने कहा था कि उस समय उनके पास जो मासूमियत भरी सुंदरता थी वो फिल्म दुनिया की डिमांड और चुनौतियों के कारण फीकी पड़ जाएगी, जिन्हें संभालना आसान नहीं है। उन्होंने कड़ी प्रतिस्पर्धा की और कुछ बात की थी। संजय दत्त और ऐश्वर्या राय पहली बार किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक एड शूट के लिए मिले। ऐश्वर्या राय को देखने के बाद ही संजय दत्त चाहते थे कि वो बॉलीवुड में काम न करें। उनका मानना था कि जब आप ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो यहाँ के लोग आपको चेंज करने में जुट जाते हैं और अगर वो आपको नहीं बदल पाते हैं तो नियम और कानून फॉलो करते करते आप खुद को बदल लेते हैं। संजय दत्त का मानना था कि एक्ट्रेस ऐश्वर्या अभी काफ़ी ज़्यादा मासूम है और वो चाहते थे कि ऐश को चेहरे पर जो खूबसूरती है वो इस इंडस्ट्री की वजह से गुमना हो जाए, क्योंकि इतनी कम उम्र में ग्लैमर वर्ल्ड का प्रेशर झेलना आसान नहीं है। संजय को ऐश्वर्या इतनी अच्छी लगती है कि उन्होंने एक दफ़ा कह दिया था कि अगर ऐश्वर्या रोड पर खड़ी हो जाए तो लोग उन्हें देख के लाइन लगा लेंगे। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय उस समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी। बॉलीवुड के हर एक बड़े स्टार एक्टर ऐश्वर्या को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। संजय ही नहीं बल्कि सलमान खान, विवेक ओबराय, शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन जैसे स्टार्स भी उनकी दीवानगी में शामिल थे। बताते चले कि एक बार ऐश्वर्या ने कहा था कि चीज़ें एक हद तक होती हैं। एक समय बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। ये बात थी 1993 में जब ऐश्वर्या और संजय एक मैगजीन की फ़ोटोशूट के लिए एक दूसरे से मिले थे, तब उनकी पहली मुलाकात हुई। ऐश्वर्या समय बीचा उनकी सबसे सफल मॉडल्स में से एक थी और तब तक उन्होंने फिल्मों में एंट्री नहीं की थी। हालांकि संजय ने एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर मॉडलिंग में अपना करियर जारी रखने की सलाह दी थी। आप किस पे क्या राय है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।